ओम साई राम, जय साई राम। आपकी अपनी साई गीता आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को इतना प्यार इस चैनल को दिया है, तो हम लोग शिरडी आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे साई भक्त हैं जो बाबा के इतने करीब हैं। तो आइए हम इनसे बाबा का एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि बाबा ने इनकी कैसे मदद की और इनके साथ क्या चमत्कार किया बाबा ने। मैं साई सचित्र से जुड़ी। आप बाबू अपना नाम बताइए। मैं शशि बेगमपुर, दिल्ली बेगमपुर से बोलती हूँ। बाबा का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे साथ। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रख के हमारी बहुत ज़्यादा रक्षा की। अब हमारा हाथ पकड़ा और हमें शिरडी बुलाया। हम बहुत खुश हैं बाबा जब से महाप्राण से जुड़े। मैं 2020 से बाबा से जुड़ी और प्राइम मैंने पढ़ना शुरू किया। उससे मैंने 2-3 साई सचित्र के चैप्टर ही किए थे, जिसके आगे मैं अपने हस्बैंड के लिए नौकरी अच्छी मांगती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान होते थे बारिश में पानी से और सर्दी में गर्मी में। उनके पैरों की उंगलियों पक जाती थी, जिससे वो बहुत परेशान होते थे। हमें दुख लगता था कि वो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत हमारे लिए करते हैं। बाबा उनको अच्छा सा काम दिलाओ जो इतनी मेहनत ना। कोई था जो अच्छा काम लगवा सकता था, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, मदद उन्होंने हमारी नहीं की थी। लेकिन सब मेरे बाबा हैं संभालने वाले। किसी और के थ्रू बाबा आए, उनसे हमें मिलवाया और उन्होंने हमारी, मेरे हस्बैंड की अच्छी नौकरी लगाई। बहुत बड़े आभार है बाबा के, बाबा ने हमारे पे बड़ी कृपा करी। तो साईं भक्तों, आपने देखा कि बाबा ने इनके ऊपर किस तरह की कृपा की, और आज भी ये बाबा को सजदा करने आती हैं, बाबा को सीध झुकाने आती हैं कि बाबा हम कभी नहीं भूलेंगे जो तूने मेरे साथ किया है। और कभी, और मैं बाबा से यही कहूंगी कि बाबा जो भी इनकी आस लेके शिरडी आई हैं, वो बाबा आपको इनकी आस पूरी करनी है। और जब बाबा ने वो टाइम अच्छा किया है, तो ये भी टाइम आपका अच्छा जाएगा। ये समझ लो आप शिरडी में बैठे हैं, तो कहते हैं ना उनके सामने झोली फैलाते हैं, तो वो झोली कभी खाली नहीं छोड़ते, उसको भर के ही बेचते हैं। अपने बच्चे के जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरते हैं। और मैं बाबा से यही अरदास करूंगी, हे साईयां, जिस भी भावना से या जिस भी आप उम्मीद से बाबा के पास आए हैं, बाबा आप उनकी हर मुराद पूरी करना, बाबा उनकी हर मुराद पूरी करना। तो मैं बाबा से ये, देखिए साई भक्तों, आप लोग भी इनके लिए दुआ करें। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि ये जिस मकसद से बाबा के पास आई हैं, वो इनकी हर मुराद पूरी हो, हर मुराद पूरी हो। बाबा सबका भला करना, उस छोट सबका भला करना, उस भले में थोड़ा सा मेरा भी भला करना। देखिए देखिए, ऐसे ऐसे भक्त हैं कि दूसरों का भला मांगते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। तो जब ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, कहते हैं ना कि हम अगर किसी और के बारे में सोचते हैं तो वो बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं ना तू दूसरे के बारे में सोच, अपने बारे में मत सोच, तेरे बारे में मैं बैठा हूँ। तो बाबा तुम्हारे ऊपर ज़रूर कृपा करेंगे बाबू। और मैं बाबा से यही अरदास करूँगी कि बाबा तुम्हारी हर मुराद पूरी करें। बूंदे आई बाबा, हर मुराद पूरी करें बाबा, तुम्हारी हर मुराद पूरी करें बाबा, हर मुराद पूरी करें। ओम साई राम। बाबा आपने ही सारा दे दिया, यही बहुत है बाबा, और आपने अपनी बरसात कर दी, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अब बाबू बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाबा ने आपकी झोली भर दी और बाबा तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेंगे। बोल साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलिए तो साई भक्तों, आपने सुना इनको, और ऐसे ही आप भी बाबा पर भरोसा और विश्वास बनाएं कि बाबा पे इतना आत्मविश्वास बनाएं, इतना उनसे प्यार करें कि उनके सिवा आपको कुछ नजर ना आए।